हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीक्रेट्स। सो सबसे पहले जो कि मैंने TCS का वॉक इन का वीडियो दिया था, मैक्सिमम लोगों ने अटेंड कर लिया होगा। और मैं प्रे कर सकता हूँ कि आप में से कोई ना कोई सेलेक्ट हो। सो जो लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे, काइंडली हमको या फिर कमेंट में बता दीजिएगा, या हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी के आज का जो जॉब अपडेट है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की ओर से। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि कैसे अप्लाई करते हैं मैं प्रोसीजर इजीली आपको बता सकूँ, और आप लोग को बिना कोई दिक्कत के आप अप्लाई कर पाए। सो जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इस पर हायर करेगी फॉर द जॉब रोल ऑफ रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएट के लिए फॉर मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस इंडिया, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर एंड मुंबई। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा वो है BCom, MCom और एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट इसलिए मैंने दे दिया बिकॉज फॉर सम पोस्ट इन सम लोकेशंस वो एनी ग्रेजुएट मांग रहा है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स टू 5 ईयर्स का, और जो कि सैलरी है अभी तक डिस्क्लोज की नहीं की है। छोटा सा एक कंपनी का ओवरव्यू बता देता हूँ। जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इट्स मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी, और ये कंटिन्यू इनोवेट और रिफाइन इंडस्ट्री में अभी भी है। इट्स ये मल्टीपल कैरियर पाथ अफोर्ड द वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट टू द रियल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड सोसाइटी। बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज एन एसोसिएट। आपको कोऑर्डिनेट करेगा विद क्लाइंट टू एनालाइज रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन कस्टमाइज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। आपको डेवलप करना पड़ेगा एंड मेंटेन करना रिलेशन विद द क्लाइंट एंड जनरेट करना पड़ेगा बिजनेस व ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैनेजेस करना पड़ेगा ऑल इनवॉइसेस एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा मंथली एंड वीकली रिपोर्ट उस सेम चीज़ के लिए। आपको एसेस करना पड़ेगा कस्टमर को इन ऑल इंक्वायरीज ऑन फोन एंड मोर। आपको मेंटेन करना इफेक्टिव रिलेशन विद कस्टमर एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। बाकी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। दूसरा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है रिक्वायरमेंट असिस्टेंट का, जो कि आपको वर्क क्लोजली करना पड़ेगा द ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉमेंट डिपार्टमेंट के साथ टू मेंटेन करना होगा कैंडिडेट का जो डाटा बेस है, और उनको जो पेपर वर्क होता है उसको कैसे आप हैंडल करना है उसको आपको लुकआउट करना पड़ेगा। साथ ही आपको जॉब पोस्टिंग के ऊपर ऑनलाइन और उनके ऊपर मीडिया प्रिंट का काम देखना होगा। आपको कंप्यूटर का सॉरी कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा एंड उनका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बिकॉज एज अ रिक्रूटिंग असिस्टेंट वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आप बैकग्राउंड चेक करें कि जो कि पर्टिकुलर जो आदमी कैंडिडेट सेलेक्ट है उसका बैकग्राउंड कैसे है, कहाँ से है, कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो उसके पीछे पेंडिंग नहीं है। तो ये बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा। लास्ट आपका जॉब रोल है कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर लेते हैं। जो कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा एज ऑल क्रूशियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेशन डिटेल्स। मोरा आपको डिटेल्स डिटरमाइन करना होगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग देयर प्रोक्यूमेंट्स। आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा पॉसिबल चेंजेस एंड क्रिएटिंग रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज एंड मीट करना पड़ेगा एनी लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज। सो अब हम पहुँच चुके हैं कि अप्लाई लिंक कहाँ पे है, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन के वीडियो में देख लीजिएगा ये कंप्लीट सब ऐसे अप्लाई लिंक मैंने दे के रखा है, तो उधर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बेंगलोर लोकेशन जो कि हायर करेगा फॉर द जॉब रोल ऑफ रिक्रूटमेंट असिस्टेंट क्लिक करेंगे, तो वो जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाए, तो देख सकते हैं बेंगलोर में रिक्रूटिंग असिस्टेंट निकला है ना, इसे आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही है अप्लाई नाउ का बटन, तो उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी रीड आउट करना चाहते हैं स्क्रॉल डाउन करके रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, इसमें देख सकते हैं। इसमें 1 to 2 ईयर्स है और इसमें बैचलर इन बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए मैंने देखते हैं एनी ग्रेजुएट। तो एक बार आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज थोड़े दिन के बाद इन लोग जल्दी बंद कर देगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना। तो मिलते हैं कल एक नए जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।